जैसा कि हमने कहा था, हम यू गए थे और यू आ गए। स्वागत है आप सभी का विविध भारती की रंगोली में। स्वीकार कीजिए नेहा और विशाल का नमस्कार। तो विशाल, इतना खूबसूरत मौसम है, अब आज के शो की शुरुआत इस मौसम के बारे में बात किए बिना कैसे हो सकती है? सही कहा। और ये ऐसा मौसम है जहां ना केवल इंसानों का बल्कि जानवरों का और पंछियों का दिल भी खुशी से बावरा हो जाता है। बिल्कुल ठीक इस गाने की तरह। तो ये था 1958 की फिल्म अमरदीप का गाना। अच्छा विशाल, हाँ मुझे ये बताओ कि बारिश में ऐसा क्या मैजिक होता है, ऐसी क्या बात होती है कि दिल एकदम खुश हो जाता है? वो क्या है कि तपती गर्मियों के बाद जब बारिश होती है तो माहौल में ठंडक और सुकून आ जाता है और हर तरफ हरियाली हो जाती है और जो धरती से जो महक आती है, मिट्टी की खुशबू आती है, ओ हो 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 हो। सही कह रहे हो, है ना? और अगर रात का माहौल हो, साथ में लता मंगेशकर और मन्ना डे जी की आवाज हो, राज कपूर और नरगिस साथ हो, फिर तो क्या कहने हैं जी। तो एक काम करते हैं, चोरी चोरी ये गाना सुनते हैं। विशाल, इस मौसम के बारे में एक खास बात और है। वो ये कि हर चीज एकदम नई हो जाती है, चमकने लगती है, नहीं? बिल्कुल। और बारिश में अगर गाने सुनने हो तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गानों से बेहतर और क्या हो सकता है? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की अब बात तुमने कर ही दी है तो बात करते हैं उनकी शुरुआत की। उनकी डेब्यू फिल्म थी पारस मणि, जिसमें उन्होंने 6 के 6 गाने दिए और सारे सुपरहिट रहे। क्या बात है। और आज हम आपको 6 के 6 गाने नहीं
नेहा, तुमने देखा है कि जब बारिश होती है तो हम बारिश को देखते रह जाते हैं और देखते ही देखते हम अपने आप को खोया हुआ पाते हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। पर किस बात में खो जाते हैं और क्या सोचते हैं हम? हम मिस करते हैं किसी अपने को, किसी पुरानी बात को, बीते वक्त को, तो यादों में खो जाते हैं। हाँ, क्योंकि सिर्फ यादें ही तो रह जाती हैं। वाह नेहा, क्या गाना सुनाया। और क्या, जब मौसम नया है तो क्यों ना गाने भी नए हो जाए। हा? क्या बात है, मतलब इसके आगे के सारे गाने नए। बिल्कुल। वाह। वैसे विशाल, यादों में वापस जाने का या यादों को सहेज कर रखने का एक तरीका और है। क्या? तस्वीरें। बिल्कुल बिल्कुल, खासकर जब आप किसी से दूर हैं, कहीं परदेश वरदेश में हैं और आपके लोग आपके साथ नहीं है तो वैसे विशाल, तुमने एक बात पर गौर किया है क्या? शाहरुख खान एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने दो बिल्कुल ऑपोजिट सब्जेक्ट्स वाली मूवी पे काम किया है, जैसे कि परदेश और स्वदेश, दोनों ही हिट थी। बिल्कुल बिल्कुल। पर नेहा, ये गाना जो हमने सुनाया इसमें शाहरुख खान एक फोटो लेकर के कहता है, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, और दूसरे पैरा तक आ भी जाती है। ऐसा होता है कभी? क्यों, तुमने ट्राई किया क्या? अरे एक नहीं, बहुत सारी फोटोज के साथ ट्राई किया मैंने, एक भी नहीं आई। तो बताओ क्यों नहीं आई? क्योंकि इन लोगों के पास इतने बहाने होते हैं ना कि भी ना जाने तो हम कैसे जाने। विशाल, अगर बॉलीवुड में कोई कंपटीशन हो ना कि कौन सी बॉलीवुड फिल्म रिपीट मोड में देखी जा सकती है, तो हमारा जो गाना जिस अगली फिल्म से है वो टॉप में भी टॉप करेगी। अच्छा, कोई हिंट दो। अभी भी हम खान गली में ही घूम रहे हैं। ओहो, मतलब सलमान खान और आमिर खान की फिल्म अंदाज अपना अपना। बिल्कुल, और कौन सी हो सकती है। वैसे इस फिल्म का जॉनरा कॉमेडी था तो बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसमें इम्प्रोवाइजेशन यूज किया गया था। इम्प्रोवाइजेशन यानी कि डायलॉग्स पहले से स्क्रिप्टेड नहीं थे, ऑन स्पॉट बनाए गए। बिल्कुल, और क्योंकि इस फिल्म के काफी सारे गाने रेट्रो स्टाइल पर बेस्ड थी तो इस फिल्म के गाने सुनने में बड़ा मजा आता था। बिल्कुल। हाँ। जैसे कि ये गाना। तो नेहा, नए गानों में एसपी बालसुब्रमण्यम साहब का गाना हो गया, हरिहरन साहब का गाना हो गया, और कुमार सानू जी का गाना हो गया। बिल्कुल। लेकिन हम आगे जारी रखेंगे अपना सफर, क्योंकि हम उदित नारायण साहब को कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल। वो तो रोमांटिक गानों के किंग हैं, एक ऐसे सिंगर जिनकी आवाज हर एक्टर पर सूट होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और अगर प्यार का गाना हो और उदित नारायण जी की आवाज हो तो क्या बात है। बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं ये गाना। नेहा, अब हम जोड़ियों की इतनी बातें करते हैं, जैसे ऑन स्क्रीन जोड़ी, रियल लाइफ जोड़ी, वैसे सिंगर्स की भी तो जोड़ियां होती हैं। बिल्कुल होती है। और अब क्योंकि बात चली है उदित नारायण की, तो बात करते हैं उनकी सक्सेसफुल सिंगर जोड़ी की, यानी कि उदित नारायण और अलका याग्निक। बिल्कुल, उन दोनों ने इतने सारे गाने गाए हैं कि क्या बताऊं। हाल ही में एक ब्रांड ने उन दोनों को साथ में कास्ट भी किया। तो चलो सुनते हैं उन्हीं की आवाज में अगला। विशाल, तुमने गौर किया 90s वो दौर था जब फिल्मों में ट्रांजिशन हो रहा था कई कई लेवल्स पर। और तुम्हें पता है एक फैशन एक्सेसरी, इनफैक्ट तुम बताओ ऐसी कौन सी फैशन एक्सेसरी है जो 90s के दौर में बहुत कॉमन थी फिल्मों में। 90s में चश्मा। काला चश्मा। काला चश्मा, इनफैक्ट चश्मा तो लिरिक्स में भी शामिल किए जाते थे ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन मैं एक बात पूछूं, ये आखिरी गाना है तो मैं सोच रहा था कि कुछ फन और मजेदार गाना।
इस रंगोली में हमने आपको दिखाए कई नए रंग। रंगोली के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे नई बातें और नए किस्से लेकर। तब तक के लिए नेहा गार्गवा और विशाल मेनन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सहेली रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली, रंगोली है ये रंगोली, सुरमई गीतों की है ये रंगोली, रंगोली है ये रंगोली, सतो सुरों